जब भी कुछ हल्का या स्वादिष्ट खाने का मन होता है, सेहतमंद खाने का मन होता है, तो सबसे पहले इडली का ही दिमाग में विचार आता है। और इडली जब ये सूजी से बनाई जाए, झटपट बनाई जाए, तो कोई भी आसानी से बना के खा सकता है। तो चलिए आज बनाने चलते हैं सूजी की इडली। सूजी की इडली बनाने के लिए मैं ये 1.5 कप सूजी ले रही हूँ। ये मेरी फाइन सूजी है। इसमें 1/2 कप मैं ताज़ा दही मिलाऊँगी, स्वाद अनुसार नमक। अब इन सबको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे, तकरीबन 1/4 कटोरी पानी। पानी उतना डालेंगे जितना कि हमारी सूजी अच्छी तरह से फूल जाए। 4-5 मिनट हम इसे अच्छी तरह से फेंट लेंगे। थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे। अब इस सूजी के बैटर को हम 15 से 20 मिनट ढककर फर्मेंट होने के लिए रखेंगे, जिससे अच्छी तरह से सूजी हमारी फूल जाए। 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, सूजी अच्छी तरह से फूल चुकी है। अब इसमें हम ये 1/4 चम्मच इनो डालेंगे। इसको हल्के हाथों से हम मिक्स करेंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे। थोड़ी सूजी मुझे गाढ़ी दिख रही है, थोड़ा सा बिल्कुल 2-4 चम्मच। हमारा सूजी का बैटर अच्छी तरह से तैयार हो चुका है। अब हम इडली के सांचों में थोड़ा सा घी लगाएंगे, घी या कोई सा भी कुकिंग ऑयल जो आप यूज़ करते हैं। स्टीमर को मैंने पहले से ही पानी डाल के गर्म होने के लिए रख दिया है। अब इसमें 1-1 चम्मच इडली का बैटर डालेंगे। और गर्म हुए स्टीमर में हम इसे कुक होने के लिए रखेंगे। 5 मिनट लगेंगे कुक होने के लिए। गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम रखेंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, चेक कर ली है मैंने, इडली मेरी अच्छी तरह से कुक हो चुकी है। 2-3 मिनट के लिए इसे ठंडा होने के लिए रखेंगे, जिससे कि इडली आसानी से बाहर निकल आए। देखिए इडली अच्छी तरह से तैयार हो गई है। इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। देख कितनी सॉफ्ट बनी है, बिल्कुल सॉफ्ट सी है। इडली हमारी, इडली को हम नारियल की चटनी के साथ या हरे धनिया की चटनी के साथ ब्रेक्स में खाएंगे। यदि आपको ये इडली की रेसिपी पसंद है, तो आप मेरी वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स अभिघ्न फूड बुक पर शेयर करें।